अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 18। अच्छा बेटा, अगर लेक्चर के दौरान कहीं हाशिम यानी मेरा बेटा बोल पड़े या कहीं आपको डिस्टरबेंस हो तो उसको माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मैं उसको बहुत दफ़ा छोड़ के आई हूँ लेकिन वो फिर मेरे पीछे आ जाता है, सो दैट्स वाई। अच्छा बेटा, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाशिम, अच्छा बेटा अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर 18 भी जो है वो आपका स्मॉल कॉन्सेप्ट्स पे कंसिस्ट करता है, यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जैसे हमने लेक्चर नंबर 17 में कवर अप किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। जो हमारा पहला इसमें जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने वाले मैंने लेक्चर नंबर 17 में बता दिए थे, उसी के आगे से फर्दर हाफ टॉपिक्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर नंबर 18 इज़ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एनालिसिस। बेटा बेसिकली मैं आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, तबादला करना। ठीक है, तबादला का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप मनी भेज रहे हैं, आप कोई कमोडिटी भेज रहे हैं, आप कोई फिज़िकल चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह कोई एक चीज़ भेजते हैं और फिर उसके इवज़ आप कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं, लाइक अगर आपने कोई कमोडिटी सेल की है तो उसके इवज़ जो है वो आप क्या से आप मनी रिसीव करेंगे, इनकम रिसीव करेंगे। अब वो मनी और इनकम यानी कि अब लेकिन उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो खर्चा है वो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहलाती है। लेट सपोज़ कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मेरी कंपनी है, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की हैं और वो 100 प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें उठा के मैंने किसी दूसरी मार्केट में लेके जाना है, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस है तो मैं अपने लोकल कंट्री की तो एग्ज़ाम्पल दे नहीं सकती, अगर दे भी दूँ तो दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अब लेट सपोज़ कि मैंने ये पाकिस्तान में प्रोडक्शन की है और मैंने उठा के इन सब 100 जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनको उठा के दुबई में भेजना है। ठीक है, तो अब इन 100 प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से दुबई तक जाने की जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, वो लेबर ले कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो कोई एजेंट ले, वो मिडल मैन ले, वो शिपमेंट वाले लें, वो किसी भी तरह के एक्सपेंस हों, लेकिन वो आपकी एनी हाउ क्या होती है, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट के दो एक्सपेक्ट हैं। अगर मैं अकाउंटिंग के लिहाज से बात करूँ, अकाउंटिंग के लिहाज से ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेयर यानी कि जो पे करने वाला है उसके लिए ये एक्सपेंस है, लेकिन जो रिसीव करता है, लाइक अगर एजेंट ने की है, कमिश्नर ने की है, अगर किसी थर्ड पार्टी ने की है, शिपमेंट्स वालों ने की है या ट्रैवलिंग एजेंट्स वालों ने की है, तो उनके लिए ये इनकम है। ठीक है, यानी कि ये ऐसी एक आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक जगह पे ये एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है और दूसरी साइड पे दूसरी जगह पे ये एज एन इनकम जो है वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली आई हैव रिटन अबाउट योर स्टूडेंट्स इन योर लेक्चर। सो बेटा अब मैंने यहाँ से देखिए मैंने वही कॉन्सेप्ट जो है वो मेंशन किया है कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मींस कि एक्सचेंज ऑफ प्लेस, यानी कि जगह से 100 आइटम्स हैं वो यानी कि पाकिस्तान से कहाँ एक्सचेंज हो रही हैं, वो दुबई में एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, सो अब एक्सचेंज ऑफ प्लेस में क्या आता है कि मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएंगी, अच्छा मैन्युफैक्चरर से मार्केट की लोकल यानी कि अपने ही पाकिस्तान में ही ये प्रोड्यूस हुई और पाकिस्तान की मार्केट में ही अपने लॉन्च कर दें। ठीक है, तो ये तो एक लोकल कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या आता है कि मैन्युफैक्चरर ने इनको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स तक लेकर गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए से उन प्रोडक्ट्स को आगे से आगे और दुबई की मार्केट में या बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ की मार्केट में जो है वो लॉन्च किया है। सो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सपेंस ये मैन्युफैक्चरर बियर करेगा, इसके लिए ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है।
ठीक है, और इन सब के लिए ये इनकम है, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे एक क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट में आपको दे चुकी हूँ, लेकिन खैर फिर भी अब मैंने लिखा है तो मेहनत की है तो फिर डिलीवर करना चाहिए। अच्छा बेटा, क्या है कि मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एजेंट यानी किसी भी थर्ड पार्टी के लिए ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करना होता है बेटा, स्प्रेड और कमीशन, इन दोनों को भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा जाता है। स्प्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट। लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट किसका होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए या थर्ड पार्टी के लिए होगा, ये मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपनी चीज़ को जो है वो मार्केट में भेजना ही भेजना है। उसे कम कॉस्ट पे भेजे, ज़्यादा कॉस्ट पे भेजे, बट ही हैज़ टू सेंड लॉन्च हिज प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट, ठीक है। सो स्प्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट, ठीक है। आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पढ़ा है सेमेस्टर्स में। अच्छा बेटा, आप दूसरी साइड पे क्या आ जाता है, हमारा कमीशन आ जाता है। कमीशन भी एक तरह का क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि ये कमीशन जो है ये पेयर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन रिसीवर के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एक साइड पे लिखी हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी फैक्टर को जो ट्रांजैक्शन कोड में कोड किया जाता है कॉस्ट में। बेटा अप्रेजल कॉस्ट, अगर अप्रेजल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लाइक सेमिनार्स अरेंज करने पड़ते हैं, मेडल्स अरेंज करने पड़ते हैं अप्रेजल सिस्टम में, तो वो सारी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। गवर्नमेंट फी, गवर्नमेंट का कोई फी पे करना पड़ती है एज एन एजेंट और एज अ थर्ड पार्टी, दैट वुड बी अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर लेबर को आप पे कर रहे हैं जस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट, देन दैट विल बी अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आप कम्युनिकेशन ज़्यादा जो फोकस यानी कि अगर आप इन सब चीज़ों से हट के जो ज़्यादा आर्टिकल्स में बुक्स में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, आप कह रहे हैं कि जो 60% जो डिस्कशन होती है वो कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में होती है, ठीक है। लेट सपोज कि कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या है कि आपने एडवर्टाइज करना है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बताना है। वो मार्केट जो आपने टारगेट की है, आपने उस मार्केट के परचेजर्स को जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेंगे, आपको बैरियर्स वो साइन बोर्ड्स लगाना पड़ेंगे, आपको जो है वो मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी कॉस्ट जो है ये क्या आ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ जाएगी। और कम्युनिकेशन बैरियर्स को किस में कोड किया जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा बेटा आगे, हाँ जी, जितनी किसी प्रोडक्ट की कम प्राइस होगी उतना ही कम उसका कम्युनिकेशन बैरियर होगा जी। अच्छा जी, और कम्युनिकेशन बैरियर कम होगा तो उसकी अच्छा जी, चलिए आप वहाँ चले, वो जाके रजिस्टर के साथ खेलो, ठीक है, मामा लेक्चर डिलीवर कर लेना। चलो तो अब क्या होगा बेटा, उतनी ही लोयर जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, ठीक है। लाइक अलीबाबा, अलीबाबा ने जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत कम किया है, और ई कॉमर्स के ज़रिए से हाशिम बेटा नहीं, डोंट टच इट, अगर तो ई कॉमर्स ने भी जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बहुत कम की। हाशिम बेटे आप क्या कर रहे हो, नीचे उतरो, बॉल बॉल के साथ खेलो। अच्छा बेटा, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो हमारा कॉन्सेप्ट है जॉइंट वेंचर का, जो कि पहले भी शायद क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। बेटा जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट मींस के पार्टनरशिप होना, ठीक है, मींस के पार्टनरशिप होना। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि कंबाइनिंग विद अ फॉरेन पार्टनर। अब चूंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है तो आप किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है आपका जो पार्टनर होगा वो फॉरेन होगा। सो अब इसमें कम्बिनेशन किस किस चीज़ का होता है, यानी कि एक्चुअली व्हाट यू पीपल डू शेयर इन द पार्टनरशिप। आप अपने इक्विटी को जो है वो इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, प्लस शेयर्ड बिजनेस को जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जी, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो हैं आप उनको जो है वो इक्वली
आप उनको इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे सोनी एरिक्सन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हाशिम बेटे क्या बात है, अच्छा जी बॉल के साथ खेल। ये बॉल के साथ खेलो, ठीक है, चलो। जी अच्छा बेटा, अब जैसे सोनी एरिक्सन जो है वो पहले एरिक्सन एक स्वीडन की कंपनी है, ठीक है, और सोनी जो है वो जापान की कंपनी है। इन दोनों ने इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के जरिए से एक नई कंपनी जो है वो सोनी एरिक्सन के नेम से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, और विच इज़ अ न्यू वन कंपनी। अच्छा बेटा, आगे जॉइंट वेंचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, कि इसमें इक्वल इन्वेस्टमेंट होती है। अब सोनी की भी इक्वल इन्वेस्टमेंट है और एक एरिक्सन की भी अपनी है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाए जाते। हाँ, अगर वो चल जाए एज अ सेपरेट बिजनेस, जैसे सोनी एरिक्सन चल गया है, तो उसका एंड अप या उसकी टर्मिनेशन जो है वो दैट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल और दैट सीम्स टू बी सैड रियलिटी, तो वो फिर प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चले जाते हैं। एनी हाउ, और डाइवर्सिटी इन बिजनेस, बिजनेस में डाइवर्सिटी क्या जाती है, लाइक पहले सिर्फ सोनी की अपनी प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, एरिक्सन की अपनी थी, लेकिन चूंकि दोनों के जॉइंट वेंचर के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर हुई, बिजनेस में नए आइडियाज़ भी आए, और नए जाहिर सी बातें ह्यूमन रिसोर्स और हर तरह की चीज़ जो है वो बेटर होती है, तो इसमें डाइवर्सिटी आती है, वैरायटी आती है बिज़नेस में, ठीक है बेटा। आगे लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग वेरी इजी कॉन्सेप्ट है आपका। लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, एक परमिशन लेटर होता है, ठीक है। परमिशन लेटर किस चीज़ का है, कि एक मैन्युफैक्चरर जो है या एक ओनर जो है, बिज़नेस ओनर जो है, उसने आपको लेटर दे दिया है, आपको इजाज़तनामा दे दिया है कि आप मेरा ये बिज़नेस, ये काम इतने टाइम पीरियड के लिए इतनी पेमेंट के इवज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे एक जो अथेंटिक एग्जांपल है वो मैं आपको इस तरह से दूंगी, कि जैसे मेडिकल स्टोर्स जो हैं ये खोलने के, तो कोई भी बंदा खोल सकता है, लेकिन मेडिकल स्टोर को खोलने और चलाने के लिए जो है वो लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो नहीं चलते। तो अब उस लाइसेंस को किसी ऑनर से परचेज़ करना जो है, या कंपनी से परचेज़ करना, या किसी दूसरे पर्सन से परचेज़ करना जो है, उसमें क्या होता है कि आप लेट्स सपोज कि मैंने ये सुना था कि ये लेटर की प्राइसेस जो है वो पाँच छः लाख तक भी हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड के आप जो है वो कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, किसी रेफरेंस से परचेज़ कर रहे हैं, किसी पर्सनल रेफरेंस से परचेज़ कर रहे हैं। इट ऑल विल डिपेंड अपॉन, आपकी जो कॉस्ट आएगी, यानी कि उसकी जो परचेजिंग प्राइस होगी वो आपकी कितनी होगी। लेकिन एनी हाउ, ये क्या होता है, ये एक परमिशन लेटर होता है, यानी कि फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी जो ओनर होगा या जिससे आप ले रहे हैं, जिसके पास लीगल परमिशन लेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास लीगल परमिशन लेटर है उस बिजनेस को कंडक्ट करने का, तो वो फिर लेटर जो है वो आगे, जैसे मेडिकल स्टोर्स वाले जो लेटर आगे से आगे जो है वो इम्बर्स कर सकते हैं, सो वो करते हैं, ठीक है। सो अब होता क्या है कि फ्रॉम द पेरेंट कंपनी टू द अदर कंपनी टू मैन्युफैक्चरर इज़ अ प्रोडक्ट, यानी कि अब ये इशू किस चीज़ के लिए किया जाता है, कि टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, कि वो उस पेरेंट कंपनी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड मनी, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एंड मनी के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनीज की हेड पे बात करूँ, तो यूज़ ऑफ पेटेंट्स जो है, पेटेंट्स जो है कि प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स या कॉपी राइट्स वगैरह का यूज़ जो है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, लाइसेंसिंग के हेड में जो है वो हम कोट करते हैं, ठीक है बेटा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आ जाता है सब्सिडी का कॉन्सेप्ट। बाय बाय। अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा वो है आपका सब्सिडी का कॉन्सेप्ट, विच इज़ अगेन वेरी इजी एंड अ रिपीटिंग वन, के कंट्रोल्ड बाय अनदर वन, ठीक है, यानी जिसकी पेरेंट कंपनी कुछ और है, और उसने बेसिकली सब्सिडी को बनाने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना कि एक बंदा है जिसकी अपनी एक बहुत अच्छी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है, वो उस फैक्ट्री के साथ कोई दूसरी और छोटी फैक्ट्री जिसकी प्रोडक्ट्स भी पहली फैक्ट्री से यानी कि पेरेंट फैक्ट्री से रिलेट करती हैं, वो फैक्ट्री बना दे। लेकिन सबसे बड़ी ये शुगर मिल्स होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज होती हैं, क्योंकि शुगर बनाना जो है ये तो एक मेन प्रोडक्ट है ना, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो शुगर के बाद वो 14 तरह के बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कैंडीज हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के बिस्किट्स हो सकते हैं। आप जो है वो, हमने जब ये प्रोजेक्ट किया था, हमने ऑलमोस्ट कोई 7 सेमेस्टर में अपने अपने MBA में ये प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें जो है वो हमें पता चला था कि ये जो शुगर मिल्स होती हैं इनका सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ शुगर ही इनका प्रोडक्ट नहीं होता, ये शुगर के अलावा मज़ीद 14 प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जो कि बाकी की 13 जो हैं वो शुगर की ही बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उन बाई प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर शुगर मिल्स ने क्या बनाई होती है, अपनी सब्सिडरीज बनाई होती हैं। नो डाउट कि जो छोटे बच्चों की कैंडीज आ गई, लाइक जो छोटी छोटी एक एक रुपए की दो मिलती हैं, दो दो रुपए की एक मिलती हैं, वो जो है वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती, लेकिन एनी हाउ काम चलता है तो फिर चल रहा है, ठीक है। वो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है पेरेंट कंपनी के लिए, चाहे थोड़ा सा ही सही। और फिर दूसरा, एक तो पहला फ़ायदा ये हो गया कि सोर्स ऑफ इनकम की वजह से सब्सिडी बना दी जाती है, दूसरा ये कि टैक्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, टैक्स को जो है टैक्स का लोड एक बिज़नेस पे ना आए, एक कंपनी पे ना आए, उसके लिए जो है वो दो कंपनीज बना दी जाती हैं, एक्सपेंस को शेयर करने के लिए जो है वो सब्सिडरीज बना दी जाती हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो सब्सिडरी बना दी जाती हैं, और डाइवर्सिफाइंग रिस्क को मैनेज, ये तो मैंने आपको पहले बता दी कि डाइवर्सिफाइड रिस्क क्या होता है, द रिस्क दैट यू कैन पुट टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली द वन प्रोडक्ट, ठीक है। बेटा आगे कॉन्सेप्ट आ गया, आप फिर आ गए हैं, कहाँ से आए हैं? अच्छा चलो क्वाइट, अब मामा को तंग नहीं करना, ठीक है जी। बेदे क्या? अच्छा मामा लेक्चर डिलीवर कर ले, आप जरा थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ जाओगे? चलो शाबाश, इधर आओ, ऐसे ठीक होंगे, चलो ये हैंड पीछे कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, आप वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वेयर हाउसिंग बोलते हैं स्टोर करने को, स्टोरेज को, ठीक है। वेयर हाउस का मोस्टली कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि हम उस जगह को वेयर हाउस बोलते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बिज़नेस के सेंस में अगर मैं वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लूँ, तो बेटा वेयर हाउसिंग एक स्टोरेज प्लेस तो होता ही होता है, लेकिन यह स्टोर किसको किया जाता है? अगर मैं कमोडिटीज़ की बात करूँ, जैसे गंदम के वेयर हाउसेज हो गए, चावल के वेयर हाउसेज हो गए, जैसे गंदम के वेयर हाउसेज हो गए या चावल के वेयर हाउसेज हो गए, अब वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर मैं बिज़नेस टर्म में बात करूँ तो वेयर हाउस वो होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को स्टोर किया जाता है, लाइक बॉन्ड्स को स्टोर कर लिया फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, इंटरेस्टेड एसेट, ऐसे एसेट जिन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उनको स्टोर कर लिया, लोन्स यानी कि लोन्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि हाई रिटर्नेबल होते हैं, उनको जो है वो स्टोर कर लेती हैं, और फिर जब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ करती है तो देन आप अपने ये वेयर हाउस से जो है वो इन सारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो कोलेट्रल बैग्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा बेटा कोलेट्रल क्या होता है? ये एक अगेन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा। कोलेट्रल बेसिकली बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, सॉरी बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि बैंक्स ने एक कोलेट्रल रखा हुआ है 30/70, ये शायद आई थिंक मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि 30/70% का कोलेट्रल, इनके अगर किसी को 30% लोन चाहिए तो वो 30% लोन लेने के लिए वो पहले उसका 70% कोलेट्रल जो है उसका बैंक में कुछ अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करवाएगा, या कार प्लेज करवाएगा, या कुछ भी चीज़ अपनी लीज़ अपना घर लीज़ करवाएगा, जो भी वो करवा सकता है वो करवाएगा, और करवा के यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर इन केस वो ये 30% की अमाउंट जो वो एज अ लोन ले गया है अगर वो पे ना कर सके तो फिर बैंक के पास एज होता है कि वो इस 70% को जो है वो क्या कर सकते हैं, इस पर ऑनरशिप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सो ये इसी तरह से ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये कोलेट्रल बैग्ड होती हैं, ये ऐसे ही नहीं दे दी जाती, ये इनको परचेज़ करने से पहले इनके पीछे कोलेट्रल रखे जाते हैं, और फिर ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये कोलेट्रल बैग्ड कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। बेटा अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है, अब वो है ट्रेडमार्क का और इट्स प्रोटेक्शन का। बेटा ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारी बिजनेस की एसेट्स हैं, ठीक है। ये वो एसेट्स हैं जो कि ये टेंजिबल तो नहीं है लेकिन इनटेंजिबल ज़रूर हैं, ठीक है। अब इसे ट्रेडमार्किंग में क्या, ब्रांड नेम, जैसे पेप्सी का ब्रांड नेम है, एप्पल उसका अपना ब्रांड नेम है, लोगो एप्पल का अपना लोगो है, पेप्सी का अपना लोगो है, शेजान का अपना लोगो है, हर प्रोडक्ट का अपना लोगो है। फ्रेज किसी का कोई छोटे, जैसे यूफोन का है तुम ही तो हो, ठीक है, और ये फ्रेज कोई दूसरी कंपनी जो है, कोई दूसरा बंदा परचेज नहीं कर सकता या इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब यूफोन के लिए तुम ही तो हो, ये सिर्फ यूफोन का ही है, इसको कोई और नहीं कर सकता, जिस ठीक है। सो सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जी, कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, और ये सिंबल्स होते हैं, ये उस बिज़नेस के ट्रेडमार्क होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, और कोई भी दूसरी कंपनी, पुरानी या नई आने वाली कंपनीज़ या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को ये राइट नहीं होता कि वो पहले से मौजूद किसी दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क को यूज़ करें, ठीक है। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टर्म्स में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब दूसरा क्या है कि कॉपीराइट्स में क्या होता है बेटा, आर्टिस्टिक वर्क होता है, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब, बेसिकली आर्टिस्टिक वर्क का मतलब है कि वे ऑफ प्रोडक्शन। आशिक अपना हैंड पीछे करें बेटा, अपना हैंड पीछे करें, ठीक हो गया। आर्टिस्टिक यानी कि अब जैसे पेप्सी का जो फार्मूला है, पेप्सी बनाने का, वो इसके बस मैन्युफैक्चरर को ही पता है या उसने आगे से जिसके हैंड ओवर कर दिया उसी को पता है, ठीक है। अब हर बंदा जो है वो ओरिजिनल पेप्सी नहीं बना सकता क्योंकि उसका फॉर्मूला जो है वो सबके सबको यूज़ करने का राइट नहीं है। सो ये आर्टिस्टिक वर्क होता है, जैसे फाइन आर्ट्स में ये ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क होता है। वे ऑफ डूइंग द वर्क यानी कि रेसिपी, यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन किस तरह से करें हैं, ये वो सारा तरीकेकार होता है। हाशिम स्टॉप, ठीक है। एंड देन ओरिजिनल मटेरियल और क्रिएटर्स वगैरह, ये सब ये कॉपीराइट के सेंस में आते हैं, ठीक है। अब ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन, दूसरा ये इनके इसका पॉइंट था कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो बेटा इसकी प्रोटेक्शन के लिए 4 से 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हर बिजनेस होल्डर को, जो कि एक ट्रेडमार्क होल्डर है, उसको फॉलो करने होते हैं बेटा। सबसे पहले तो ट्रेडमार्क यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यूनिकनेस का मतलब है कि कोई भी दूसरा बिजनेस जो है वो इतनी आसानी से उसको कॉपी ना कर सके या उसको अडॉप्ट ना कर सकता हो, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट जो आ जाता है, वो पॉइंट आ जाता है कि फाइल मेंटेनेंस का, यानी कि प्रॉपर आपने अपने लोगों को, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के लिए आपने प्रॉपर एक फाइल मेंटेन करनी है जिसमें उसका पर्पज़ होगा। जैसे कि पेप्सी जो है, PEPSI पेप्सी जो है, इसके पीछे जो है वो एक सेंटेंस क्या होता है कि पे ईच पेनी टू इसराइल, ठीक है। अब इन ट्रेडमार्क्स के मीनिंग्स भी क्या हैं, आपने वो फाइल मेंटेन करके उसको रजिस्टर करवाना है, देन एप्लीकेशन आपने पुट करनी है, आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होनी चाहिए, देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, एंड देन उसके मॉनिटरिंग के आपके पास राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा आगे जो है वो इसे अगला कॉन्सेप्ट जो हमने इसी लेक्चर में पढ़ना है वो है नहीं, यहाँ तक बेटा आपका ये जो है ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आगे जो लेक्चर नंबर 17 है बेटा, अगर आपको इन टॉपिक्स में से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इजीली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कमिंग जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 में करेंगे, ओके बेटा। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ हाशिम की वजह से, यू पीपल मस्ट हैव सफर द मच डिस्टर्बेंस, लेकिन ही इज़ माई सन, क्या कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।